गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म का जो डिटेल है उसको कंप्लीट किया था, और उसके बाद फिर हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन एल्कीन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड, ये दो डिस्कशन फिनिश कर दिया है। अब हमें डिस्कस करना था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन एल्काइन, तो जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के टूवर्ड्स एल्काइन एल्कीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्यों होता है उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बताया हुआ है। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के टूवर्ड्स एल्कीन एल्काइन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, और उसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन एल्काइन का डिटेल लिखो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन एल्काइन, इसमें लिखो व्हेन नॉन टर्मिनल एल्काइन, व्हेन नॉन टर्मिनल एल्काइन, व्हेन नॉन टर्मिनल एल्काइन व्हेन नॉन टर्मिनल एल्काइन इज ट्रीटेड विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस, अ स्ट्रॉन्ग बेस, व्हेन नॉन टर्मिनल एल्काइन इज ट्रीटेड विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस व्हिच ऑल्सो एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, व्हिच ऑल्सो एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट, देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट इज ऑप्टेन्ड, देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट इज ऑप्टेन्ड। आगे लिखो बेटा, इन दिस रिएक्शन टर्मिनल एल्काइन, in this reaction terminal alkyne, in this reaction terminal alkyne, in this reaction terminal alkyne cannot participate, in this reaction terminal alkyne cannot participate because it is involved in salt formation due to presence of acidic hydrogen inside it, due to presence of acidic hydrogen inside it, due to presence of acidic hydrogen inside it। तो अब जैसे देखो बेटा, अगर हमने कंसिडर किया इस एल्काइन को CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C C2H5, अगर ये एल्काइन है और इस एल्काइन को हम ट्रीट कर रहे हैं विथ सोडामाइड,
इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, अगर इसको सोडामाइड के साथ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, तो जरा देखो कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी। सबसे पहले अमाइड आयन सबसे पहले अमाइड आयन इसके ऊपर अटैक करेगा, और अमाइड आयन इस तरीके से अटैक करेगा जिससे कि मोर स्टेबल कार्बन आयन प्रोड्यूस हो। अमाइड आयन यहां पे इस तरीके से अटैक करेगा जिससे कि मोर स्टेबल कार्बन आयन प्रोड्यूस हो। अब जरा ध्यान देना बेटा, अगर अमाइड आयन इस कार्बन पे अटैक करता है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है? इसको फर्स्ट मोड ऑफ अटैक बोल रहे हैं। अगर अमाइड आयन इस पे अटैक करता है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है? अब दोनों के करस्पॉन्डिंग जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है उसको बना लेते हैं। अगर फर्स्ट मोड ऑफ अटैक को कंसिडर करें तो ये इंटरमीडिएट बनना चाहिए CH3 CNH2 CH3CNH2 डबल बॉन्ड सी नेगेटिव C2H5, ये बनेगा बेटा, ये फर्स्ट फर्स्ट मोड ऑफ अटैक के करस्पॉन्डिंग। और अगर सेकेंड मोड ऑफ अटैक को कंसिडर करें तब क्या होगा, तब फॉर्म होगा CH3C- डबल बॉन्ड सी NH2 C2H5। अब आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों में से कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। चिराग ने बोला है, रोहित ने बोला है सेकंड वाला, तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि आप देखो यहां पे इथाइल का प्लस आई कार्बन आयन को डीस्टेबलाइज कर रहा है, जबकि यहां पे मिथाइल का प्लस आई कार्बन आयन को डीस्टेबलाइज कर रहा है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो मतलब डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसलिए ये मोर स्टेबल है। तो ये मोर स्टेबल है। ठीक है, तो ये मोर स्टेबल है। अब देखो क्या होगा, अब ये आगे रिएक्ट करता है विथ अमोनिया, अमोनिया से रिएक्ट करेगा और ये अमोनिया से हाइड्रोजन रिमूव कर लेता है कार्बन आयन, तो अमाइड आयन यहां पे फ्री हो जाएगा, ठीक है? अमाइड आयन यहां पे फ्री हो जाएगा और अमाइड आयन के फ्री होने से ये बन जाएगा CH3 CH, मैं मेजर प्रोडक्ट बना रहा हूं, CH डबल बॉन्ड C NH2 C2H5, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। अभी ध्यान देना, ये वाला जो कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज ये क्या है, ये एक इनामीन है। इनामीन कैसे, ये C डबल बॉन्ड C इन हो गया और NH2 हो गया अमाइन, तो ये इनामीन है, इनामीन। अब क्योंकि ये इनामीन है इसलिए क्या होगा, ये टॉटोमराइज हो जाएगा, ठीक है? तो ये इनामीन टॉटोमराइज होगा
और ये टॉटोमराइज हो करके इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड NH, सी डबल बॉन्ड NH C2H5, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड NH C2H5। तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो अगर नॉन टर्मिनल एल्काइन है तो नॉन टर्मिनल एल्काइन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस भी है, इसके साथ रिएक्ट करके ऐसा एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, फाइनली ये जो है टॉटोमराइज होकर के इमीनो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इनामीन है और ये इमीन है। अब अगर हम यहीं पे टर्मिनल एल्काइन को कंसीडर करते हैं तब क्या होता है, जरा देखना। जैसे ये है हमारे पास CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड CH, ये टर्मिनल एल्काइन है, इसको हमने सोडामाइड के साथ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में ट्रीट किया। यहां पे देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन सफिशियंटली एसिडिक है इसमें, और सोडामाइड क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडामाइड इज अ पावरफुल बेस। तो क्या होगा, सोडामाइड इस हाइड्रोजन को रिमूव करके, सोडामाइड इस हाइड्रोजन को रिमूव करके इसको सॉल्ट में कन्वर्ट, इसका सॉल्ट बना देगा। तो CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव Na पॉजिटिव ये बन जाएगा और अमोनिया गैस रिलीज होती। अमोनिया रिलीज होगी। तो टर्मिनल एल्काइन को अगर आप यूज करोगे तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, जबकि नॉन टर्मिनल एल्काइन अगर है तो नॉन टर्मिनल एल्काइन हमेशा एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करता है। नॉन टर्मिनल एल्काइन हमेशा एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, टर्मिनल एल्काइन सॉल्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। अब बात आती है कि क्या टर्मिनल एल्काइन, क्या एल्काइन, चाहे वो टर्मिनल हो या नॉन टर्मिनल हो, क्या एल्काइन वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता? इसका जवाब है कि एल्काइन वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट से भी रिएक्ट कर सकता है, और वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट से रिएक्ट करके वो एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो आप नोट कर लो, लिखो एल्काइन कैन ऑल्सो रिएक्ट With weak nucleophilic reagent to give addition product. Alkyne can also react with weak nucleophilic reagent to give addition product. आगे लिखो इन सच रिएक्शन हैवी मेटल आयन सच एज Hg2 पॉजिटिव heavy metal ion such as Hg2 positive
प्लैटिनम टू पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव एटसेट्रा एटसेट्रा मे ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट, मे ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट, मे ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ आप एल्काइन को रिएक्ट कराते हो तो वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ भी एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एल्काइन कर सकता है, लेकिन ऐसी रिएक्शन में आपको हैवी मेटल आयन को एज ए कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। अब बताती है कि इसमें हैवी मेटल आयन करता क्या है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो हैवी मेटल आयन है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल पहले एल्काइन पे अटैक करता है इन अ फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप में हैवी मेटल आयन एल्काइन के ऊपर अटैक करता है और अटैक करके वो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। मेटल मतलब जो हैवी मेटल आयन एल्काइन के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एल्काइन का कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, तो क्योंकि एल्काइन का कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, तो इस वजह से उसके ऊपर एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी इफेक्टिवली अटैक कर सकता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि उसपे एक वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लेकिन जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप होता है। तो स्लोवेस्ट स्टेप में वीक इलेक्ट्रोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और उसके थ्रू जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। वैसे वहां पे मेटल को हटाने के लिए फिर फर्दर हम रिडक्शन स्टेप को यूज करते हैं, मतलब उसको रिड्यूस करके मेटल को हटा देते हैं और वहां पे हाइड्रोजन लाते हैं। तो एक बार आप इसका डिटेल लिख लो, लिखो लिखो इन दिस रिएक्शन initially the attack of heavy metal ion occurs on alkyne in this reaction initially the attack of heavy metal ion in this reaction initially the attack of heavy metal ion occurs on alkyne which results in the formation of which results in the formation of a metal complex which results in the formation of a metal complex which results in the formation of a metal complex आगे लिखो in this complex one of the carbon of alkyne becomes electron deficient and therefore even a weak nucleophile can effectively attack on it
कैन इफेक्टिवली अटैक ऑन इट इन अ स्लोअर स्टेप, इन अ स्लोअर स्टेप। अब देखो क्योंकि यहां पे स्लोअर स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलेंगे, इन अ स्लोअर स्टेप एंड देयरफॉर रिएक्शन इज टर्म्ड एज, एंड देयरफॉर रिएक्शन इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एंड देयरफॉर रिएक्शन इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्काइन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन का डिटेल लिखो, उसी से आपको मैकेनिज्म भी पता चल जाएगी। लिखो, व्हेन एल्काइन वेदर इट इज टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, व्हेन एल्काइन वेदर इट इज टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, when alkyne whether it is terminal or non terminal is treated with aqueous acidic mercuric salt, is treated with aqueous acidic mercuric salt, aqueous acidic mercuric salt followed by treatment with sodium borohydride, followed by treatment with sodium borohydride, followed by treatment with sodium borohydride, carbonyl compound is produced। आगे लिखो बेटा, during the reaction only acetylene gives aldehyde, during the reaction only acetylene gives aldehyde, during the reaction only acetylene gives aldehyde, all other alkyne whether it is terminal or non terminal, all other alkyne whether it is terminal or non terminal gives ketone, all other alkyne whether it is terminal or non terminal gives ketone, ठीक है। तो बोल रहे कि यहां पे सिर्फ एसिटिलीन एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, बाकी जितने भी एल्काइन है चाहे वो टर्मिनल एल्काइन हो या नॉन टर्मिनल एल्काइन हो हमेशा कीटोन प्रोड्यूस करते हैं। तो अब जरा रिएक्शन का डिटेल देखो, जैसे हमारे पास ये एल्काइन है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हमने ट्रीट किया सबसे पहले HG2 पॉजिटिव H पॉजिटिव एंड H2O के साथ, HG2 पॉजिटिव H पॉजिटिव एंड H2O के साथ, और फिर उसके बाद हम इसको ट्रीट कर रहे हैं NaBH4 के साथ, ठीक है। तो इसमें देखो, ये फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन,
इसको बोलते हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन, और ये सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड डी मर्क्यूरेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड ऑक्सी मर्क्यूरेशन, वेयर एज सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड डी मर्क्यूरेशन। तो अब यहां पे होता है, इस रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है, रिएक्शन में हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। इस रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, रिएक्शन हमेशा एंटी एडिशन का एग्जांपल होती है, एंटी एडिशन का एग्जांपल होती है, और रिएक्शन हमेशा विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोसीड करती है, विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोसीड करती है। अब आप याद करो, मैंने पीछे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जब डिस्कस किया था, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में दो मैकेनिज्म के बारे में बताया था, एक ओपन चेन मैकेनिज्म, दूसरा क्लोज चेन मैकेनिज्म। ठीक है, ओपन चेन मैकेनिज्म एंड क्लोज चेन मैकेनिज्म। तो उसमें क्लोज चेन मैकेनिज्म में मैंने बोला था कि वहां हमेशा एंटी एडिशन प्रोडक्ट बनता है, और वहां पे मैंने बोला था कि कभी रीअरेंजमेंट नहीं होता, जबकि ओपन चेन मैकेनिज्म में वहां पे सिन और एंटी एडिशन दोनों पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी होती है, और रिएक्शन जो है वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में पॉसिबल होता है। तो इसके बेसिस पे ये लग रहा है कि ये इस रिएक्शन में क्लोज चेन मैकेनिज्म जो है, क्लोज चेन मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होनी चाहिए, ओपन चेन मैकेनिज्म नहीं, क्लोज चेन मैकेनिज्म फॉलो होनी चाहिए। तो अब यहां पे देखो, प्रोडक्ट जो है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म होना है। इस रिएक्शन में एडिशन होता है बेसिकली वाटर का, वाटर यानी कि एच और ओ एच एड होगा, और कौन से रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। यहां पे मान लो एच आ गया, तो यहां पे ओ एच आ जाएगा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। और आप देखो, ये एक इनॉल है, इनॉल है तो टॉटमराइज होगा, टॉटमराइज हो करके ये कीटोन का फॉर्मेशन करता है, RCOCH3 बन जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट कीटोन होगा। बट बीच में पहले ये बना होगा, इनॉल बना होगा जो टॉटमराइज होकर के कीटोन में कन्वर्ट होता है। अब जरा देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले एल्काइन के ऊपर हैवी मेटल आयन यानी कि Hg2 पॉजिटिव अटैक करता है, Hg2 पॉजिटिव का अटैक हो रहा है ऑन एल्काइन, तो क्या होगा, इसकी प्रेजेंस में ये पाई बॉन्ड पहले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन को ट्रांसफर होता है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए है क्योंकि यहां पे इस कार्बन से एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका प्लसाई इफेक्ट इसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बना रहा है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन को ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर हुआ, तो फिर ये क्या होता है, ये कार्बन उसको यूज करके मरकरी के साथ अटैच हो जाता है, और पार्शली वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूटिलाइज होती है इसके साथ, इस कार्बन के साथ अटैच होने के लिए। ठीक है, अब आप देखो, इससे एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट ऐसा होगा, ट्रांजिशन स्टेट ऐसा ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो जाता है यहां पे। अभी आप मरकरी पे 2 पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो, ठीक है, मरकरी पे 2 पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो, तो क्या होता है, वो उसमें से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वो डिस्पर्स होता है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का तो कंप्लीटली यही रहेगा, ठीक है, बाकी जो एक यूनिट है वो पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस मरकरी के ऊपर और इस कार्बन के ऊपर। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली मरकरी पे रहेगा, जो बाकी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का है वो पार्शियली मरकरी और कार्बन पे
डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो यहां पे ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, अब क्या होगा, अब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड सी एच एच जी टू पॉजिटिव, ये बन जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल है यहां पे वाटर, किस पे अटैक करेगा, ये ट्रांजिशन स्टेट बताता है कि उस कार्बन पे अटैक होना चाहिए जिसमें ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इसलिए वाटर इस पे अटैक करना चाहेगा, ठीक है। तो वाटर का अटैक होगा इसके ऊपर और ये रिंग यहां से ओपन हो जाती। तो अब आप देखोगे तो यहां से ये इंटरमीडिएट कंपाउंड प्रोड्यूस होगा आर सी ओ एच टू पॉजिटिव डबल बॉन्ड सी एच एच जी पॉजिटिव, ये बन जाता है। और फिर क्या होगा भाई, ये यहां से एक H पॉजिटिव लूज कर देता है, H पॉजिटिव लूज करके ये फॉर्म कर लेगा आर सी ओ एच डबल बॉन्ड सी एच एच जी पॉजिटिव, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको क्या करते हैं, इसका डीमर्क्यूरेशन करा देते हैं NaBH4 के साथ, इसको ट्रीट करते हैं। जब हम इसको NaBH4 के साथ ट्रीट करते हैं तो ये मरकरी यहां हट करके यहां इधर हाइड्रोजन लग जाता है, तो मरकरी हटेगा और उसकी जगह पे हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा, तो आर सी ओ एच डबल बॉन्ड सी एच एच, और फिर ये टॉटमराइज होता है क्योंकि इनॉल है तो टॉटमराइज होकर के इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये पूरी मैकेनिज्म है बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की। इसमें देखो ये वाला जो स्टेप है ये फास्ट है, ये फास्ट स्टेप है, और ये स्टेप जो आप देख रहे हो ये स्लो स्टेप है। यहां से लेकर के यहां तक ये एक ही स्टेप है, इट इज अ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। मतलब यहां से लेकर के यहां तक एक स्टेप है जो कि फास्ट बोला है, ये स्लो स्टेप है क्योंकि स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इसलिए रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलते हैं। तो एक चीज और समझ लेना कि यहां से लेकर के यहां तक इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन और ये है डीमर्क्यूरेशन, तो इसकी मैकेनिज्म क्लियर हो गई बेटा। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्लियर हो गई, तो एक चीज आप समझ लेना, अच्छा यही यही रिएक्शन जो है ना एल्कीन में भी ऑब्जर्व होती है
ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन एल्कीन में भी ऑब्जर्व होती है, वहां पे रिएक्शन के थ्रू एल्कोहल बनता है। इसमें आप देख रहे हो कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है, एल्कीन के केस में एल्कोहल बनता है, और एल्कीन के केस में यह रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल होती है, लेकिन एल्काइन के केस में यह रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल होती है। ठीक है, एल्कीन के केस में रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है, बट एल्काइन के केस में यह रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है। आप इसको नोट में लिख लो, लिखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन केस ऑफ एल्कीन, इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन केस ऑफ एल्कीन। However, it is example of nucleophilic addition. However, it is example of nucleophilic addition in case of alkyne. However, it is example of nucleophilic addition in case of alkyne. इसको specially highlight कर लेना, बहुत important information है ये। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि एल्काइन के केस में अगर कोई एडिशन रिएक्शन ऑब्जर्व हो रही है और उस एडिशन रिएक्शन में आपने ऐसा हैवी मेटल आयन कैटलिस्ट के फॉर्म में देखा, तो आप यह समझ जाना कि वो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल होगी। ठीक है, इसको भी आप लिख लो, ऑल एडिशन रिएक्शन which occurs on alkyne in presence of heavy metal ion catalyst, which occurs on alkyne in presence of heavy metal ion as catalyst, heavy metal ion as catalyst are example of nucleophilic addition. However, if heavy metal ion catalyst is not used, However, if heavy metal ion catalyst is not used, then it is example of electrophilic addition. Then it is example of electrophilic addition. इसी से हम एल्काइन के केस में डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं कि कौन सी एडिशन रिएक्शन एल्काइन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल होगी और कौन सी एडिशन रिएक्शन एल्काइन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल होगी। आपको देखना है कि क्या हैवी मेटल आयन कैटलिस्ट वहां पे यूज किया जा रहा है, अगर यूज किया जा रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अगर नहीं यूज किया जा रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये तो डिस्कशन हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। अब आप नोट करो एडिशन में थर्ड एंड लास्ट केस, लिखो फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन
फ्री रेडिकल एडिशन। अब देखो मैं यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसको हम परॉक्साइड इफेक्ट आर खराश इफेक्ट बोलते हैं। परॉक्साइड इफेक्ट आर खराश इफेक्ट, तो आप नोट करो फ्री रेडिकल एडिशन के बारे में। लिखो व्हेन एल्कीन और एल्काइन, व्हेन एल्कीन और एल्काइन इज ट्रीटेड विथ, व्हेन एल्कीन और एल्काइन इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, व्हेन एल्कीन और एल्काइन इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, व्हेन एल्कीन और एल्काइन इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन एल्काइल ब्रोमाइड इज ऑब्टेन्ड, देन एल्काइल ब्रोमाइड इज ऑब्टेन्ड, then alkyl bromide is obtained and reaction follow Markovnikov addition rule, and reaction follow Markovnikov addition rule, and reaction follow Markovnikov addition rule। आगे लिखो बेटा, however when they are treated with hydrogen bromide, however when they are treated with hydrogen bromide, however when they are treated with hydrogen bromide in presence of peroxide, however when they are treated with hydrogen bromide in presence of peroxide, then alkyl bromide is produced according to anti Markovnikov addition rule। Therefore, this phenomena is called peroxide effect। क्योंकि आप देख रहे हो कि peroxide के होने पे अलग product बन रहा है, peroxide के नहीं होने पे अलग product बन रहा है। Therefore, this phenomena is called peroxide effect or खराश इफेक्ट, KHARASCH, बेसिकली खरास एंड मेयो, ये दो रशियन केमिस्ट थे जिन्होंने इस फिनोमेना को सबसे पहले ऑब्जर्व किया, इसीलिए इसको परॉक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट बोलते हैं। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, विदाउट परॉक्साइड, मान लो हम इसको हीट कर रहे हैं स्लाइटली, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है बेटा, यहां पे Markovnikov addition rule फॉलो हुआ है। अगर हम एल्कीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ परॉक्साइड की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, तो एंटी Markovnikov रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, मतलब ये प्रोडक्ट बनता है। आप अगर दोनों रिएक्शन को देखो तो दोनों रिएक्शन में सिर्फ ये चेंज है, इसमें परॉक्साइड नहीं है, यहां पे परॉक्साइड है, परॉक्साइड के होने पे प्रोडक्ट बदल जा रहा है,
इसलिए इस फिनोमेना को परॉक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। अब मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं, ठीक है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। तो देखो, सबसे पहले यहां पे क्या होता है, जो परॉक्साइड है, परॉक्साइड की होमोलिसिस हो जाती है। मान लो हम एक परॉक्साइड को यूज कर रहे हैं, जनरली यहां पे बेंजोइल परॉक्साइड को कंसिडर किया जाता है। मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये परॉक्साइड है RCO O COR, ये परॉक्साइड हमने लिया, हीट करते हैं तो इसकी होमोलिसिस हो जाती है। होमोलिसिस से यहां पे फॉर्म हो जाता है कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल, कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल बन जाता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल डिसोसिएट होकर के CO2 गैस रिलीज करके R फ्री रेडिकल भी बना सकता है, या ये इस तरीके से सीधे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, इसकी प्रेजेंस में रिएजेंट की होमोलिसिस हो जाती है। इसमें जो H फ्री रेडिकल है वो ज्यादा रिएक्टिव है तो वो इससे कंबाइन कर जाता है, तो यहां पे बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ठीक है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल एल्कीन पे अटैक करता है, तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल का अटैक होता है ऑन एल्कीन, अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में इसकी होमोलिसिस हो जाती। ब्रोमीन फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में एल्कीन की होमोलिसिस हो जाती है, फिर ये इस तरीके से अटैच होगा जिससे कि मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बने, तो यहां पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल अगर बनेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल है इसलिए इसका फॉर्मेशन हुआ है। ज्यादा स्टेबल ये इसलिए है क्योंकि इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है। ये फ्री रेडिकल बन गया, अब क्या होता है, ये फ्री रेडिकल फिर से रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएजेंट है HBr, तो इसकी प्रेजेंस में HBr की होमोलिसिस होगी और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव है तो वो इस कार्बन फ्री रेडिकल के साथ अटैच हो जाएगा, तो RCH2Br प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल, जो कि आगे भी इस रिएक्शन को कंटिन्यू रखेगा। ये है मैकेनिज्म के स्टेप्स, ठीक है, ये मैकेनिज्म के स्टेप्स है। इसमें देखो, यहां पे तो इनिशिएटर की होमोलिसिस हुई है, यहां पे रिएजेंट की होमोलिसिस हुई है, उसके बाद रिएजेंट की होमोलिसिस से जो फ्री रेडिकल बना है वो आगे रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है। तो ये जो दो स्टेप्स आप देख रहे हो रिएक्शन के, ये दोनों स्टेप, ये प्रोपगेशन स्टेप बोले जाते हैं। ये प्रोपगेशन स्टेप बोले जाते हैं, जबकि ये दो स्टेप जो आप देख रहे हो ये इनिशिएशन स्टेप है। ये इनिशिएशन स्टेप है और ये दोनों प्रोपगेशन स्टेप है। तो यहां पे प्रोपगेशन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोपेगेशन स्टेप से ही हमें यह आंसर मिलता है कि हाइड्रोजन हैलाइड में सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही क्यों परॉक्साइड इफेक्ट में पार्टिसिपेट करता है। परॉक्साइड इफेक्ट सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही क्यों दिखाता है, बाकी हाइड्रोजन हैलाइड क्यों नहीं दिखाते। तो आप पहले इस बात को नोट कर लो,
अमंग हाइड्रोजन हैलाइड, अमंग हाइड्रोजन हैलाइड, अमंग हाइड्रोजन हैलाइड ओनली हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ओनली हाइड्रोजन ब्रोमाइड, अमंग हाइड्रोजन हैलाइड ओनली हाइड्रोजन ब्रोमाइड कैन पार्टिसिपेट इन परऑक्साइड इफेक्ट, कैन पार्टिसिपेट इन परऑक्साइड इफेक्ट. अदर हाइड्रोजन हैलाइड, अदर हाइड्रोजन हैलाइड डज नॉट, अदर हाइड्रोजन हैलाइड डज नॉट. Because, because only the propagation step of hydrogen bromide, only the propagation step of hydrogen bromide are exothermic. In case of other hydrogen halide, one propagation step is exothermic while other is endothermic. One propagation step is exothermic while other is endothermic. One propagation step is exothermic while other is endothermic. इसका मतलब यह है कि परऑक्साइड इफेक्ट में वही रिएजेंट पार्टिसिपेट कर सकता है जिसके दोनों प्रोपेगेशन स्टेप एक्सोथर्मिक हो, और हाइड्रोजन हैलाइड में यह कंडीशन सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड फुलफिल करता है. ठीक है, तो एक बार मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं और फिर इसकी थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करता हूं. इसको अगर हम जनरल सेंस में कंसीडर करें तो ऐसे लिख सकते हैं, मान लो इसकी इंथैल्पी डेल्टा एच वन है और इसकी इंथैल्पी डेल्टा एच टू है. अब हम यहां पे एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई को कंसिडर करते हैं. एच एफ, एच सी एल, एच बी आर एंड एच आई. ठीक है, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर एंड एच आई को कंसिडर कर रहे हैं. इनकेस ऑफ एच एफ जरा देखो क्या होगा, यहां पे फ्लोरीन फ्री रेडिकल होगा. फ्लोरीन फ्री रेडिकल, फ्लोरीन फ्री रेडिकल क्या कर रहा है, स्पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है. मतलब जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इन कंपेयर टू जो बॉन्ड ब्रेक हुआ. तो मतलब ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा, ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा. एच एफ के केस में पहला प्रोपेगेशन स्टेप एक्सोथर्मिक है. अब जरा दूसरे वाले स्टेप में देखना, यहां पे एच एफ होगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर क्या फॉर्म हुआ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ है. तो जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो स्ट्रॉन्ग है, जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो वीक है, इसलिए दूसरा प्रोपेगेशन स्टेप एंडोथर्मिक हो जाएगा. पहला प्रोपेगेशन स्टेप एक्सोथर्मिक और दूसरा प्रोपेगेशन स्टेप एंडोथर्मिक होगा इन केस ऑफ एचएफ. अब जरा एचसीएल को देखो, एचसीएल के केस में यहां पे क्लोरीन फ्री रेडिकल रहा होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड फॉर्म हुआ, जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये एक्सोथर्मिक होगा. और इधर अगर आप देखो तो हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, अभी भी
जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है उससे स्ट्रॉन्ग है, तो ये एंडोथर्मिक होगा। अब आ जाते हैं HBr के केस में, यहां पे ब्रोमीन फ्री रेडिकल होगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड फॉर्म करेगा। जो बॉन्ड यहां पे फॉर्म हुआ है वो उस बॉन्ड के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग है जो ब्रेक हुआ है, तो एक्सोथर्मिक। और इधर आप देखो हाइड्रोजन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक हुआ और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ। स्ट्रेंथ वाइज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्लाइटली स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमीन बॉन्ड, इसलिए ये हो जाता है एक्सोथर्मिक। इसमें आप देखो दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक है। अब बात आ जाती है HI की, तो यहां पे आयोडीन फ्री रेडिकल होगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बन आयोडीन बॉन्ड फॉर्म करेगा जो कि बहुत वीक बॉन्ड होता है। कार्बन आयोडीन बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होता है, इनफैक्ट वो पाई बॉन्ड से भी वीक होता है, इस वजह से पहला स्टेप यहां पे एंडोथर्मिक होता है। पहला स्टेप एंडोथर्मिक है। और इधर आप देखो हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड ब्रेक होगा, वीक बॉन्ड है ये, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दूसरा स्टेप एक्सोथर्मिक है। तब आप देख सकते हो क्लियरली कि दोनों प्रोपेगेशन स्टेप सिर्फ HBr के केस में एक्सोथर्मिक है, देयरफॉर ओनली हाइड्रोजन ब्रोमाइड कैन पार्टिसिपेट इन परऑक्साइड इफेक्ट। हाइड्रोजन हैलाइड्स में सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही परऑक्साइड इफेक्ट में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में दोनों प्रोपेगेशन स्टेप एक्सोथर्मिक होते हैं। बाकी हाइड्रोजन हैलाइड्स में अगर आप देखोगे एक स्टेप एक्सोथर्मिक होगा, एक स्टेप एंडोथर्मिक होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया बेटा कि क्यों हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही परऑक्साइड इफेक्ट दिखाता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही परऑक्साइड इफेक्ट क्यों दिखाता है, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया आप लोगों को? अब बात आती है कि क्या दूसरे रिएजेंट्स भी परऑक्साइड इफेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो जवाब है कर सकते हैं अगर उनके दोनों प्रोपगेशन स्टेप एक्सोथर्मिक होंगे। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लो। लिखो इन परऑक्साइड इफेक्ट अदर रिएजेंट्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन परऑक्साइड इफेक्ट अदर रिएजेंट्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट if their both propagation step are exothermic। आगे लिखो reagent belonging to this category are देखो नंबर वन CHX3 मतलब हेलो फॉर्म, नंबर टू CBrCl3 ब्रोमो क्लोरोफॉर्म, नंबर थ्री COCl2 इसको फॉस्जीन बोलते हैं, फॉस्जीन, नंबर फोर थायोल
थायोल, नंबर 5 ट्राई एल्काइल टिन हाइड्राइड, ट्राई एल्काइल टिन हाइड्राइड एटसेट्रा। ठीक है, ये कुछ और रिएजेंट्स हैं जो परऑक्साइड इफेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब जरा देखो, अगर हम एल्कीन को परऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं इन रिएजेंट्स के साथ, जैसे अगर हमने CHCl3 ले लिया तो फिर ये प्रोडक्ट बन जाता है RCH2CH2CCl3, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर हमने CBrCl3 को यूज कर लिया तो फिर ये प्रोडक्ट बन जाता है RCHBrCH2CCl3। अगर हमने COCl2 को यूज कर लिया COCl2, तो यहां पे बन जाता है RCHCl CH2 COCl। अगर हम कंसिडर करते हैं यहां पे थायोल को कंसिडर करते हैं तो बन जाता है RCHHCH2SR। और अगर कंसिडर करते हैं ट्राई एल्काइल टिन हाइड्राइड को तो यहां पे बन जाता है RCHHCH2SNR3। ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं और मैकेनिज्म उसी तरीके से लिखोगे जैसे HBr के केस में आपने कंसिडर किया। अब जैसे मैं आपको बता देता हूं, फॉर एग्जांपल अगर क्लोरोफॉर्म को हम कंसिडर करें, ठीक है, क्लोरोफॉर्म वाला केस को कंसिडर करते हैं अलोंग विथ परऑक्साइड, तो क्या होगा? सबसे पहले परऑक्साइड की होमोलिसिस होगी, परऑक्साइड की होमोलिसिस से फ्री रेडिकल बनेगा। वो फ्री रेडिकल क्या करता है, क्लोरोफॉर्म के अंदर प्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक कर देगा, CH बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड वाले फ्री रेडिकल से अटैच हो जाएगा और CCl3 फ्री रेडिकल बन जाएगा। और फिर ये CCl3 फ्री रेडिकल क्या करता है, इस एल्कीन पे अटैक करता है, तो यहां पे खुद अटैच होकर के सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना देता है। CCl3 इस कार्बन पे अटैच होगा और सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन जाएगा, और फिर वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल क्या करता है, फिर से क्लोरोफॉर्म में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की होमोलिसिस करा के हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच होकर के ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा और CCl3 फ्री रेडिकल आगे भी रिएक्शन को कंटिन्यू रखेगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा बाकी केसेस में भी। तो क्लियर हो गया बेटा, मैकेनिज्म इन रिएजेंट्स के साथ कैसे ऑब्जर्व होगी वो आप लिख सकते हो ना, किसी भी रिएजेंट के साथ। अरे भाई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो एडिशन रिएक्शन जहां भी ऑब्जर्व होती है, चाहे वो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, मैंने एडिशन रिएक्शन का पूरा डिटेल आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म में मुझे कुछ नहीं बताना होगा, आगे अगर मैं डिस्कस करूंगा एडिशन रिएक्शन को तो सिर्फ उसके एग्जांपल्स जो हैं उस चैप्टर में जो आएंगे वो एग्जांपल डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो आप नोट करो केमिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन एल्कीन,
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन एल्कीन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन एल्कीन, सबसे पहले आप लिखो फर्स्ट एग्जांपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, इसमें लिखो बेटा एल्कीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड, एल्कीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड टू गिव एल्काइल हैलाइड, एल्कीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड टू गिव एल्काइल हैलाइड, एल्कीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड टू गिव एल्काइल हैलाइड। अगर लिखो रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल, रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल, रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल एंड रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल ड्यूरिंग द रिएक्शन, एंड रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसका मतलब आप समझ जाओ कि यहां पे ओपन चेन मैकेनिज्म होगी, रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल एंड रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो जैसे देखो अगर हमारे पास ये एल्कीन है, इसको हमने हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट कराया, तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए ये प्रोडक्ट बन जाना है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। होगा क्या, यहां पे पहले H पॉजिटिव अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो सकता है, अगर वो लेस स्टेबल है तो रीअरेंज होकर के मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा, और तब जाकर के हैलाइड आयन उस पर अटैक करके एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम इस रिएक्शन को कंसिडर करें तो यहां पे इनकी जो हाइड्रोजन हैलाइड की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी वो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी। लिख लो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टुवर्ड्स दिस रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टुवर्ड्स दिस रिएक्शन depends upon their acidic strength. Reactivity of hydrogen halide towards this reaction depends upon their acidic strength. Depends upon their acidic strength. Therefore, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज HF का सबसे कम, HCl का उससे ज्यादा, HBr का उससे ज्यादा, HI का सबसे ज्यादा। ये इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, अब जैसे देखो बेटा जरा यहां पे बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, HCl के साथ इसको ट्रीट कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा,
सबसे पहले यहां पे HCl से H पॉजिटिव मिलेगा, H पॉजिटिव इससे अटैच हो करके ये कार्बोकैटायन बनाएगा। अब यहां पे रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है इसलिए रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। रिंग एक्सपेंशन के थ्रू ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। एक बार इसका फिर से रीअरेंजमेंट होगा क्योंकि अभी ये सेकेंडरी है और ये यहां से टर्सरी में कन्वर्ट हो सकता है, तो एक रीअरेंजमेंट और होगा और उसके थ्रू ये टर्सरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इस पे क्लोराइड आयन अटैक करेगा। क्लोराइड आयन के अटैक के थ्रू फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। बताओ यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहां भी उसी तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। सबसे पहले एच पॉजिटिव HCl से मिलेगा, इसका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ, हाइड्रोजन इससे अटैच होगा, ये कार्बोकैटायन बन गया। अभी ये सेकेंडरी है, हाइड्राइड शिफ्ट के बाद ये टर्सरी हो जाएगा।
अभी भी आप देखो इससे भी स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाए तो हाइपर कंजुगेशन के साथ साथ उसको रेजोनेंस का सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है, इसलिए एक रीअरेंजमेंट और हो जाएगा यहां पे। अब आप देख सकते हो ये इस सिस्टम का सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो इसी से क्लोराइड आयन अटैच होगा और क्लोराइड आयन अटैच होकर के फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया यहां पे, बेंजीन रिंग कार्बन पे मिथाइल और यहीं पे आ जाएगा क्लोरीन CH CH3 CH2 CH3, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। सर हाँ बोलो सर, ये जो फिनाइल ग्रुप के साथ वाला कार्बन है, अगर उस पे मिथाइल ग्रुप ना लगाता तो टर्शियरी ज्यादा स्टेबल था। हो सकता था तब टर्शियरी ज्यादा स्टेबल, क्योंकि फिर उसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा होते, तो जैसे बेंजाइल कार्बोकैटायन और टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन को अगर कंसीडर करें तो कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, ठीक है। एलाइल से तो टर्शियरी हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, बेंजाइल से भी टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होता है, ऐसा कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं फिर हमें फर्दर रीअरेंजमेंट कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। तो यहां पे आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि जो डायरेक्टली फॉर्म्ड कार्बोकैटायन है क्या वो उस सिस्टम का सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन है, अगर है तो बस वहीं से एनायन को अटैच करके प्रोडक्ट बना दो, और अगर नहीं है तो रीअरेंजमेंट करा करके पहले मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन तक पहुंचो और फिर उसके बाद उससे एनायन को अटैच करके फाइनल प्रोडक्ट आपको बताना है। इसलिए हमेशा ध्यान देना होगा ऐसे क्वेश्चन को आंसर करते हुए, जहां भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बने हमेशा आपको एक बार देख लेना है कि वो कार्बोकैटायन क्या उस सिस्टम का सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन है या वहां पे अभी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट करा करके पहले मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाओ और फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचो, ये अप्रोच हमेशा फॉलो करना है। अब लोग जो है पता नहीं क्या हो जाता है कि ये सब जानते हुए भी उसके बाद सीधा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और उसी में गड़बड़ होती है। मतलब मैंने देखा है कि हर स्टूडेंट को पता होता है कि कार्बोकैटायन अगर बन रहा है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन फिर भी वो ये लेजीनेस है उसकी, वो जानबूझ करके जो मतलब जो है वो अवॉइड करना चाहता है कि अननेसेसरी कौन इतना आगे बढ़े, पहले ही बना करके स्ट्रक्चर जो है कुछ उल्टे सीधे काम करके जो प्रोडक्ट बता दो, और नुकसान तो अपना ही होना है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि रीअरेंजमेंट अगर कार्बोकैटायन बना तो पहले ये आपको इंश्योर कर लेना है कि वो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन है, तभी आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज आपको आगे नहीं बढ़ना है। दूसरी रिएक्शन लिखो बेटा, सेकंड रिएक्शन लिखो, लिखो एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्कीन, एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्कीन,
एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्कीन. नोट करो, व्हेन एल्कीन इज ट्रीटेड विथ हैलोजन, in presence of non-polar solvent like carbon tetrachloride or carbon disulfide, when alkene is treated with halogen, in presence of non-polar solvent like carbon tetrachloride or carbon disulfide, at room temperature, anti-vis dihalide is obtained. anti-vis dihalide is obtained. मतलब दोनों हैलोजन अपोजिट साइड से अटैच होते हैं. एक और बात लिखो, रिएक्शन प्रोसीड विदाउट रीअरेंजमेंट. मतलब दोनों हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पे अटैच होंगे. और अपोजिट साइड से अटैच होंगे, तो इसका मतलब कंफर्म है कि यहां पे रिएक्शन क्लोज चेन मैकेनिज्म को फॉलो कर रही होगी. ठीक है, इस बात को यहां पे लिख लो, रिएक्शन फॉलो क्लोज चेन मैकेनिज्म. तो अब जरा देखो क्या होता है यहां पे. जैसे हमारे पास एक एल्कीन है, मान लो ये एल्कीन है, इस एल्कीन को हैलोजन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में या कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कराते, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है रिएक्शन के थ्रू RCHX CH2X. ये दोनों हैलोजन जो आप देख रहे हो, ये हैलोजन अपोजिट साइड से अटैच होते हैं. एंटी विस डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होगा. विस डाइहैलाइड बोल रहा हूं मतलब ये एडजेसेंट कार्बन पे होंगे. अब मैकेनिज्म देखो रिएक्शन की. ये एल्कीन है और एल्कीन की तरफ हैलोजन अप्रोच कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए. तो क्या होता है, क्योंकि एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और हैलोजन पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है, तो दो इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, रिपल्सन ऑब्जर्व होता है इनके बीच में. उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये हैलोजन क्या करता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैलोजन के बीच में है वो इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को दूसरे हैलोजन की तरफ शिफ्ट करा देता है. ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे हैलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है. इससे क्या होता है, इस हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है. शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के शिफ्टिंग की वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. यानी कि ये हैलोजन पोलराइज हो गया. हैलोजन क्या हो गया, पोलराइज हो गया, पोलर रिएजेंट की तरफ बिहेव कर रहा है. अब ये पोलर रिएजेंट एल्कीन की तरफ आ रहा है, तो एल्कीन की तरफ आता है तो वो एल्कीन को पोलराइज करता है. तो एल्कीन को पोलराइज कैसे करेगा,
यहां पे ऑब्जर्व होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन को पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होगा, ये कार्बन उस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यूज करके इससे अटैच होता है, साइमल्टेनियसली ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है, ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होना शुरू हो जाता है, और यही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पार्शियली यूटिलाइज करके हैलोजन दूसरे कार्बन से अटैच होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, ये सब एक साथ हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, यहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, नेट चार्ज जीरो। और फिर उसके बाद क्या होता है, ऐसा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, ये हैलोजन कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है, तो ये एक्स नेगेटिव बन गया। अब आप देखो ये हैलोजन जो है इन दोनों कार्बन में से एक पे अटैक करेगा, उस पे अटैक करेगा जिस पे ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, तो ये इस पे अटैक करके इस रिंग को ओपन कर देता है। अब इस रिएक्शन के स्टीरियो केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप देख रहे हो कि हैलोजन अपोजिट साइड से अटैच हो रहा है, मतलब एंटी एडिशन का एग्जांपल है रिएक्शन। तो अगर आपने यहाँ पे एल्कीन जो लिया है वो सिस है, सिस फॉर्म एल्कीन का है और आप एंटी एडिशन कराते हो तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, कार जो एडिशन रूल बताया था, सिस फॉर्म एंटी एडिशन रेसमिक मिक्सचर, ट्रांसफॉर्म अगर है एंटी एडिशन हुआ तो मीजो, तो ट्रांसफॉर्म के केस में मीजो प्रोडक्ट और सिस फॉर्म के केस में रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। आप इस बात को लिख लो, लिखो ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन, ड्यूरिंग द रिएक्शन सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन produces racemic mixture, produces racemic mixture, whereas transform of alkene, whereas transform of alkene produces mesoform of product, transform of alkene produces mesoform of product, cis form of alkene produces racemic mixture, whereas trans form of alkene produces meso form of product. ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर cis alkene है तो racemic mixture बनेगा, मतलब D plus L mixture, और अगर trans alkene है तो meso product का formation देखने को मिलता है। अब जरा देखो यहां पे अगर हम एक चेंज करते हैं, चेंज क्या करते हैं, सॉल्वेंट बदल देते हैं, अगर हम हैलोजन के साथ यहां पे वाटर को यूज करें, ठीक है, अगर हैलोजन के साथ वाटर को यूज करते हैं
H2O ऐसे हम लिख सकते हैं, और HOX, H2O और HOX, तब क्या होगा? तब जो है यहां पे ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, हैलोहाइड्रिन बोलते हैं इसको, हैलोहाइड्रिन। हैलोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। अगर आप हैलोजन के साथ वाटर यूज करोगे तो एक्स और ओएच अटैच होता है। अब इसमें बेसिकली होता यह है कि जो हैलोजन है, हैलोजन वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है एचओएक्स एंड एचएक्स। जब हैलोजन वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? एचओएक्स एंड एचएक्स। ये एचओएक्स जो फॉर्म हुआ है ये यूज होता है यहां पे, ठीक है? तो अब मैं इसी मैकेनिज्म में थोड़ा सा चेंज करके आपको बताता हूं फाइनल प्रोडक्ट जो बना है वो कैसे बना है। जैसे हमने यूज किया एचओएक्स, तो एचओएक्स का मतलब ये हो गया कि यहां पे हो जाएगा बेटा नेगेटिव एंड जो होगा वो ओएच होगा। नेगेटिव एंड क्या होगा? ओएच, और पॉजिटिव एंड एक्स, क्योंकि फ्लोरीन को छोड़ करके यहां पे कोई भी हैलोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये सारे, ये तीनों हैलोजन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए हैलोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो हैलोजन एल्कीन की तरफ होगा और ऑक्सीजन उससे दूर होगा। तो अब देखो इस तरीके से अटैक हुआ, फिर यहां पे ये बन जाएगा, और फिर उसके बाद आप देखो ये हैलोनियम आयन बन गया, और इधर क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन। ये हैलोनियम आयन है, इसको हैलोनियम आयन बोलते हैं, पिछले वाले में भी आपको लिख लेना चाहिए, हैलोनियम आयन, और उसपे ओएच नेगेटिव अटैक करेगा। ओएच नेगेटिव का अटैक इस कार्बन पे होना चाहिए, तो यहां पे ओएच आ जाएगा। तो हैलोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हुआ। आप देखो ये रिएक्शन मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो कर रही है, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट अगर देखा जाए यहां पे, पॉजिटिव पार्ट ये था और नेगेटिव पार्ट ये था, तो पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैच हुआ जहां ज्यादा हाइड्रोजन, और नेगेटिव पार्ट दूसरे वाले कार्बन पे अटैच हुआ। तो ये मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन हुआ है। ये स्टेप्स मैकेनिज्म पूरी क्लियर हो गई बेटा? अगर हम हैलोजन के साथ वाटर यूज कर रहे हैं तो मैकेनिज्म कैसे ऑब्जर्व होगी, ये समझ में आ रहा है सबको? इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि अगर हम यहां पे इंटर हैलोजन कंपाउंड को यूज करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है आईएक्स, आईएक्स है, आईएक्स को हम ट्रीट कर रहे हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं, तो आयोडीन पॉजिटिव पार्ट है, हैलोजन नेगेटिव पार्ट है, एक्स नेगेटिव पार्ट है, यहां पे आयोडीन आएगा, यहां पे एक्स आएगा। और इसके लिए भी मैकेनिज्म वही है, क्या होगा? जो पॉजिटिव पार्ट है वो एल्कीन की तरफ होगा, तो मतलब यहां पे आयोडीन और यहां पे एक्स,
और फिर ये बन जाएगा इधर आयोडीन, और फिर यहां पे आयोडोनियम आयन बन जाएगा, आयोडोनियम आयन, ठीक है, आयोडोनियम आयन बनेगा। और इधर क्या होगा, इधर होगा हैलाइड आयन। फिर हैलाइड आयन इस पे अटैक करेगा, यहां पे आ जाएगा हैलोजन और यहां पे आ जाएगा आयोडीन। तो आयोडीन और हैलोजन अपोजिट साइड से अटैच हो रहा है, विदाउट रीअरेंजमेंट रिएक्शन प्रोसीड करती है। एक स्पेशल फीचर इस रिएक्शन का और है, बेसिकली ब्रोमीन वाटर जो होता है, ब्रोमीन वाटर वो ऑरेंज कलर्ड होता है, ठीक है। ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ऑरेंज कलर्ड होता है। और जब ब्रोमीन वाटर एल्कीन से या एल्काइन से रिएक्ट करता है तो उसका जो ऑरेंज कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। इसीलिए ये रिएक्शन एज अ एनालिटिकल टेस्ट यूज होती है अनसेचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए। नोट में इस बात को लिख लेना, लिखो ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन वॉटर gets discharged. Therefore, this reaction is used as an analytical test to detect the presence of carbon carbon multiple bond inside the compound, ठीक है। तो ये है पूरा डिटेल एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्कीन का, ठीक है। इसके बाद कुछ रिएक्शंस और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के एग्जांपल में डिस्कस होनी है, तो उनको कल की क्लास में डिस्कस करते हुए एडिशन रिएक्शन का डिस्कशन फिनिश करेंगे और कल स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डिस्कशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डिस्कशन कल स्टार्ट होगा। ओके बेटा, थैंक यू सर।